हमारा भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जब हमने एडमिशन लिया तब नेक्स्ट का प्रोविजन ही नहीं था, और अब हमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट लिए बिना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट का मतलब है नेशनल एग्जिट टैक्स, जो तीनों कमीशन पर बराबर रूप से लागू होता है। उसका पर्पज सिर्फ इतना है कि नेक्स्ट को दिए बिना आपको किसी भी बोर्ड में रजिस्टर नहीं हो सकते। यानी अब आपको अगर बोर्ड में BHMS करने के बाद अपने आपको रजिस्टर करना है तो आपको एक एग्जिट टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ खाली नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी का ही मैंडेट नहीं है। दिस इज द मैंडेट ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन ऑल्सो, दिस इज द मैंडेट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ऑल थ्री कमीशन आर एग्जिस्टिंग मैंडेट मैंडेट्स। तो पहली बात तो ये कि नेक्स्ट सबको देना ही है। दूसरी बात, किन को देना है? जिनकी भी इंटर्नशिप 29 नवंबर से पहले खत्म हो चुकी है उन्हें नेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। जिनकी भी इंटर्नशिप 29 नवंबर से पहले शुरू हो चुकी है उन्हें भी नेक्स्ट देने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनकी भी इंटर्नशिप 29 नवंबर के बाद शुरू हो रही है उन्हें नेक्स्ट देना पड़ेगा। अब उन बच्चों का ये कहना है कि क्योंकि हमारी इंटर्नशिप 2023 में स्टार्ट हुई है, 2024 में स्टार्ट हुई है, दैट मींस हमारा बैच ऑफ एडमिशन इज, अगर हम पीछे जाते हैं तो 2019 होता है, जबकि कमीशन का जो गठन हुआ वो 2021 में हुआ, 2021 में टीम इन फोर्स। तो उनका कहना है कि जब हमने एडमिशन लिया तो हमें पता ही नहीं था, तो अब हम नेक्स्ट क्यों दें? लेकिन इसके लिए कोई भी बचने का इसका रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप हमारा एक्ट देखते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी का एक्ट देखते हैं, तो बहुत क्लियरली सेक्शन 15 के पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि कमीशन के एनफोर्स में आने के बाद 3 साल के अंदर अंदर नेक्स्ट का होना चाहिए। तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहे हैं, लेकिन आप अपना माइंड सेट बनाइए, नेक्स्ट सबको देना ही देना है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको अश्योर करना चाहूंगा, लाइक अनलाइक एनएमसी, स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट प्रपोज बाई एनसीएच इज वेरी सिस्टमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल। एनएमसी में तो अगर आपको किसी को पता हो तो उन्होंने तो फाइनल BHMS के एग्जाम को ही नेक्स्ट बना दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बट वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर नॉट टचिंग द BHMS रेगुलर एग्जामिनेशन, दैट विल बी द मैंडेट ऑफ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ ओनली। हम नेक्स्ट ले रहे हैं जब बच्चे की इंटर्नशिप 9 महीने खत्म हो जाती है, और हमारा पर्पज सिर्फ इतना ही है कि बच्चा जो फील्ड में उतरने जा रहा है, प्रैक्टिस करने जा रहा है, वो कितना क्लिनिकल स्किल उसने गेन की है, उसी का असेसमेंट है। इट वुड बी वेरी सिंपल वन, एंड ओनली फोकस वुड बी, वी वोंट फोकस ऑन थ्योरेटिकल थिंग्स, अनलाइक एनएमसी व्हिच इज मेकिंग इट अ सिलेबस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, थ्योरी सर्जरी, सब कुछ उन्होंने मिला के एक सिलेबस बनाया है इसके लिए। बट वी विल प्योरली फोकस ऑन क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, व्हाट क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी अ गाय हैज अचीव ड्यूरिंग हिज एंटायर टेन्योर ऑफ BHMS, that would be tested through next. So बहुत घबराने की बात नहीं है, it would be a very simple examination, and I am sure everyone who is clearing BHMS final year would be easily able to crack the next course. So please convey this message to all the colleges, all the stakeholders, all your wards. There is no need to afraid of next. And one thing is very sure, it would be operational for the batches who are doing internship post 29th November. Another thing is NTET. That is National Teachers Eligibility Test.